नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, परिजनों को 25 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोर सजा। देहरादून में 29-30 सितंबर को भाजपा किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग, 8 राज्यों के करीब 400 प्रतिनिधि होंगे शामिल। 14 सत्रों में नए विषयों पर होगा मंथन। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना, प्रत्याशियों को बड़ी धड़कने। अलग अलग ब्लॉक में लगाई 277 टेबल, सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर युवाओं में गुस्सा, ऋषिकेश में बच्चों ने निकाला मार्च, तो किच्छा में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, कांग्रेस ने भी साधा निशाना। नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 लाख की स्मैक के साथ दो तस्करों को किया गिरफ्तार, एनजीपीएस सेक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के सभी शहरों में लोगों में उबाल बना हुआ है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने न्यायालय से अनुरोध किया हुआ है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना सहन करने योग्य नहीं है, दोषियों को कठोर से कठोर सजा के लिए हमने कोर्ट से अनुरोध किया है। एसआईटी सभी पहलुओं को देख रही है, तो टीम ने धीरे धीरे साक्ष्य जुटाने भी शुरू कर दिए हैं। सारे साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे जाएंगे, केस को मजबूत करा जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम जहां लगातार सबूतों को जुटाने में लगी हुई है, तो वहीं एलडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मोगरेशन भी गंगा भोगपुर स्थित बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पहुंचे। उन्होंने एसआईटी के अधिकारियों के साथ गंगा रिजॉर्ट को मुआयना किया और मौके पर कई दस्तावेज कब्जे में लेकर सबूत के तौर पर एकत्रित किए। अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के भी निर्देश एडीजी ने दे दिए हैं। एडीजी ने दावा किया है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम को कहा गया है। एसआईटी गठन होने के बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहां पर डेड बॉडी मिला है, कहां पर घटना हुआ करके बताया है एंड रिसोर्ट है, उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, इसे सीसीटीवी है, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है एंड कुछ इंपॉर्टेंट गवाह है वो घटना से रिलेटेड है, उनसे भी हमारा स्टेटमेंट वगैरह कर सारा एंगल में जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, जो आप लोग में मीडिया में भी दे रहे हैं, वो सारा चीज को मद्देनजर में हमारा एसआईटी टीम है काम कर रही है। सर अभी तो हम लोग कई बार देखेंगे, एक्चुअली एक बार देखने में कई बार इन्वेस्टिगेटर कैसे रहता है कि एक एंगल में टाइम में आते हैं देखेंगे, तो हम अब जल्दी लेंगे, जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस इकट्ठा कलेक्ट कर लेंगे तो हम आरोपी का फिलहाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता सदन भुवन कापड़ी ने अंकिता के गांव श्रीकोट पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश की नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है और निष्पक्ष जांच कर जल्द आरोपियों को सजा भी दिलाई जाए। वहीं मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए सरकार को जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आज
सिर्फ एक अंकिता नहीं, पूरे पहाड़ की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, जो पढ़ लिख कर अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के लिए जा रही, क्या वो सुरक्षित है? पहले तो पहाड़ का आदमी जंगलों में रहा जहाँ शेर और भालू का डर रहता है, लेकिन यहाँ इंसानी रूपी जो भेड़िए घूमे हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये आज पूरे पहाड़ को आत्मविश्वास दिलाने का समय है, क्योंकि पहाड़ पर दहशत का माहौल है, डर का माहौल है कि कैसे हमारी बेटियां पढ़ लिख कर बाहर जाएंगी। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका फैसला होना चाहिए। जैसे कि पीड़िता के पिताजी लोगों के मन में संदेह है, विनोद आर्य जो पूर्व मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो साक्ष्यों के साथ पहले से छेड़खानी कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि वंतरा रिजॉर्ट में वे कौन वीआईपी आ रहा था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस दी जानी थी। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार से जल्द खुलासा करने की मांग की है, तो वहीं मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। भाजपा ने कहा कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगाते रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण हरीश द्वारा जारी सोशल मीडिया पर डाली गई नौकरी भर्ती की फर्जी लिस्ट है। हरिद्वार चुनाव हम जीतने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्पष्ट बहुमत के साथ हरिद्वार में बनना है। कांग्रेस के नेता इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, चीजें अगर जो इसी प्रकार से ऐसी होंगी तो उस पर देखें, विचार करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का काम, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो चुनाव हार रही पूरी तरह से हरिद्वार के अंदर कांग्रेस की प्रत्याशियों के, कांग्रेस समर्थित नेताओं की जमानत जब्त हो रही, उनके नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसकी हीज और निकालने के लिए कांग्रेस किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप इस बार हमारा वोट बन रहा, निश्चित रूप से हम वहां पर बड़े बहुमत। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बड़ों के साथ अब स्कूली बच्चे भी सड़क पर उतरते आए हैं। ऋषिकेश में प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने स्कूल से कोतवाली तक अंकिता भंडारी के पक्ष में पहले जुलूस निकाला और फिर कोतवाली में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। मैं तो ये कहूंगी कि हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया था, हमने विकास के लिए बनाया था, अपने बेटियों को बचाने के लिए बनाया था कि बाहर के ऐसे असामाजिक तत्व हमारे बीच ना घुसें और हमारे बच्चों को बहला फुसला के इस तरीके की घिनौनी हरकतें करें। मैं तो कहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनको गोली मारकर चौराहे पर ऐसी सजा मिलनी चाहिए और उस अंकिता के परिवार के साथ न्याय होने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ये कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? हमारी बेटियां देखो गरीब परिवार की, मैं तो उसके घर तक गई, उन्हें छोड़ने तक गई कि उनकी कंडीशन क्या है, और वो बेटी इतनी अच्छी होना टॉपर बेटी और पढ़ाई लिखाई में हर चीज में टॉपर थी वो। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड पर जहां पूरे प्रदेश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से घटना के बाद से अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के बाद भी कांग्रेस स्थानीय प्रशासन और सरकार को घेरने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहती है। रिजॉर्ट को छुड़वाने पर भी कांग्रेस राज्य सरकार को आड़े हाथ ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने ऋषिकेश के स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल निशाना लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादित रिजॉर्ट पर प्रशासन ने आधी रात को बुलडोजर क्यों चलाया? बुलडोजर अगर तुम्हारे आदेश के बिना चला तो तुम क्या कर रहे थे? देखिए बहुत ही दुखद घटना है और पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने वाली घटना है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहाँ नवरात्रि का समय है, देवी बेटियों को, माओं को, बहनों को एक देवी माँ की तरह पूजा जाता है, और इस प्रदेश में इस तरह की घटना बहुत ही इस प्रदेश को कलंकित करने वाली है और झकझोरने वाली है। और इससे ज़्यादा दुखद ये है कि एक छोटी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जिस तरह से बुलडोज़र चला, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती थी कि जहाँ घटना हुई है उस घटना वाले क्षेत्र को सील करके और उसकी जांच होती है ताकि
जो भी वहाँ पर जो सबूत हैं उस पर काम किया जा सके, लेकिन सिर्फ महज खानापूर्ति की गई प्रशासन की तरफ से। अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के तमाम शहरों में दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग तेजी से उठ रही है, तो उधम सिंह नगर के किच्छा में भी गर्ल्स परमानेंट और जुड़ी जीआईजीसी की छात्राओं ने रैली निकालकर हत्या के दोषियों को फांसी देने की मांग की। गर्ल्स पार्लियामेंट की जिला प्रभारी सीमा गौनियाल के नेतृत्व में दर्जनों छात्राओं ने हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर किच्छा की सड़कों पर रैली निकाली। जीआईजीसी स्कूल से प्रारंभ हुई छात्राओं की रैली बरेली रोड, दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, नैनीताल बैंक गली होती हुई स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। बता दें कि रैली के दौरान छात्राओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नारी सुरक्षा के कड़े कानून को लागू करने तथा अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने की मांग की। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बच्चों को उनके अधिकार के लिए उनके जो नियम है उसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ, तो जैसे ही अंकिता भंडारी वाला केस आया बच्चों में एकदम आक्रोश जैसे आ गया कि हम मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है उच्च शिक्षा के लिए, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब काम पे आते हैं तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। मैं ये नहीं चाहती कि अब हमारे देश में दूसरी अंकिता या अंकिता के अलावा जितनी भी लड़कियों के साथ अभी हुआ है वो हो। सर ऐसे तो हमारे घर वाले चाहेंगे ही नहीं कि हम पढ़ें या आगे जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाएं। सर हमें अब खुद डर लग रहा है कि हम अगर रात भी रात तक जाते हैं या दिन में भी जाते हैं सर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं अपनी सरकार से कि जो जो ये जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है सर, इसमें इतना कड़ा कानून करा जाए कि ये लोग करने से पहले 10 बार सोचें। गर्ल्स पार्लियामेंट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति विद्रोह करें। लालकुआ में भी अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर में कैंडल मार्च निकाला गया और अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से तुरंत हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार बेटियों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज उत्तराखंड की बेटी और पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर जिस तरह से वर्तमान में उसको प्रताड़ित करके उसको देव्यापार की तरफ धकेलने की कोशिश उन महान महानों की जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत बड़े रूप रखूस वाले लोग हैं, उस बिटिया ने देह व्यापार में न जाने का उनसे जब मना किया तो उसको जो है उसको मार मार के उनने उसको चीला विद्युत ग्रह के नहर में फेंकने का काम किया, जिसका विरोध पूरे उत्तराखंड स्तर पर और पूरे देश स्तर पर मीडिया से लेकर और पूरी जनता रोडों पर सड़कों पर है। एक निंदनीय घटना है पूरे उत्तराखंड में जो है युवाओं में और खासतौर से पूरे उत्तराखंड वासियों में और पूरे देश में इसके खिलाफ जो है बड़ा रोष है। भाई देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई है तो इन लोगों ने जो है यहाँ पर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कभी जो है यहाँ पर परीक्षाओं में घोटाले हो जा रहे हैं, कभी दरोगा भर्ती में घोटाले हो जा रहे हैं, सारे घोटालों की जननी ये सरकार यहाँ पर है। सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल रिजॉर्ट्स में छापामारी अभियान शुरू कर दिया है और कुछ होटल्स में अनियमितताएं मिली जिन प्रशासन ने सीज कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी अभियान के बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कुछ होटल्स व्यवसायियों ने अपने अपने होटलों को पुलिस प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले ही ताले लगा दिए। आगे भी करने की चली रही है, अभियान चली रहा है, सभी जितने भी होटल हैं सभी को चेकिंग की जा रही है। राजधानी देहरादून में 29 और 30 सितंबर को उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान का कहना है कि इस कार्यशाला में 14 सत्रों में कई विषयों पर भी विचार मंथन किया जाएगा।
में प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, उसी के अनुसार उसी के तहत अब हमारा 8-8 राज्यों 10-10 राज्यों के हिसाब जोन के हिसाब से चल रहा है। उसी कड़ी में हमारा अभी उत्तराखंड में प्रवास 8 राज्यों का होना तय हुआ है। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इसमें हमने 29 और 30 तारीख देहरादून में ही तय की है, जो हमारा प्रदेश किसान मोर्चे के नेतृत्व में होगा। और इसमें हमने 14 सत्र तय किए हैं, उसमें हमारा उद्घाटन सत्र 29 तारीख को होगा, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे और उसके समापन हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी के द्वारा होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी साथ रहेंगे। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से ब्लॉक वार मतगणना शुरू हो गई है, जिसके रुझान भी आने अब शुरू हो गए। हालांकि फाइनल परिणाम आने शुरू होंगे, मतगणना केंद्रों के बाहर ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली। डीएम विनय शंकर पांडे का दावा है कि 15 घंटे में मतगणना पूरी कर दी जाएगी। अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यालय के नए भवन को लेकर एक बैठक की गई। आपको बता दें कि नए कार्यालय को स्थानांतरण हुए करीब 1 साल का समय बीत चुका है, जो मुख्य नगर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है, जिस पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते नगर व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से कार्यालय को वापस पुराने स्थान पर लाए जाने की मांग की है। नगर व्यापार मंडल द्वारा आज एक व्यापार जो प्रभावित है उसको लेकर बैठक बुलाई गई है। उसमें एक नगर के व्यापारियों द्वारा, सभी सम्मानित साथियों द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय को पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि पूरे शहर में जनदबाव भी है और सीमा का विस्तारीकरण भी हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है। सारी चीज़ें हुई क्योंकि अब ये सारी चीज़ें स्थानांतरित हो चुकी है, लेकिन आमजन की सुविधा को देखते हुए क्या हो सकता है, क्या एक बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए बैठक आहूत की गई। जो भी मध्यस्थता में जो भी चीज़ें निकली हो सकती है उसके बारे में शासन स्तर में सरकार से बात की। उत्तराखंड के श्रीनगर में हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता भंडारी की मां कह रही है कि मेरी बेटी को मुझे एक बार भी देखने नहीं दिया। वहीं उपजिलाधिकारी अजय वीर और एसडीएम आकाश जोशी को अपना दुख सुनाते हुए कहा कि आज अंकिता के साथ हुआ है और आपकी भी बेटियां होंगी, उत्तराखंड की बेटियां कैसे देख पाएंगी, आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आंसर दो उनका, हमें बोला गया है बॉडी का अंतिम संस्कार कल होगा। और हमारे उत्तराखंड पुलिस के कोतवाल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी एक महिला ने जसपुर कोतवाली के कोतवाल अशोक कुमार पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला ने देहरादून में डीजीपी से मिलकर शिकायत की और सबूत के तौर पर वीडियो दिखाए। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बताया है कि वे 12 सितंबर को जसपुर कोतवाली में रवि कुमार पंडाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी, जहां कोतवाल ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में कोतवाल अशोक कुमार ने महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। अभी हाल ही में एक आदेश आया है माननीय डीजीपी महोदय द्वारा, पीएचक्यू द्वारा आदेश आया है, जिसमें हमें ये निर्देश दिया है कि एक महिला है, एक महिला पीड़ित है, उसने गंभीर आरोप लगाया है एसएचओ जसपुर के ऊपर, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें भी, बहुत ही अत्यंत गंभीर आरोप है, जिसमें मतलब शोषण और पद का दुरुपयोग, इन सब का आरोप लगाया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है डीजीपी महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि एसएचओ जसपुर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाना है और तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई अमल में लाने जेतु। इस पर हमें ये कहना है कि उधम सिंह नगर पुलिस में, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण को उच्च कोटि का आचरण और अनुशासन और व्यक्तिगत क्या बोलते हैं मौलिक वैल्यूज़ है ना, हाँ मौलिक वैल्यूज़ को अनुपालन करने का और पालन करने का मैं अपेक्षा रखता हूँ और निर्देश भी रखता हूँ। इस पर कोई कोताही होती है तो हम कभी भी मतलब उसको सहन नहीं करते, मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूँगा।
अब खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले युवक को किच्छा पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी और महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी युवक रितेश सहानी ने महिला के साथ रहने से इनकार कर दिया, जिसके चलते महिला अंजलि शर्मा ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रितेश सहानी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसमें 306 का एक केस रजिस्टर्ड किया गया था, उसमें जो वादी द्वारा बताया गया था कि मेरे उनकी पत्नी को एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उनकी पत्नी के लिए आत्महत्या के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो इसमें लंबे समय से हमें लगभग जुलाई माह से एक अभियुक्त की तलाश थी और ये शातिर किस्म का अभियुक्त था और लगातार हुलिया और एड्रेस बदल के अपना रह रहा था। तो इसमें लगातार हमने इसको चेस किया, बॉम्बे और आउटसाइड काफ़ी स्टेट में दबिश दी गई और अल्टीमेटली इसको हमने गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। और इसके अरेस्टिंग से भी ये क्राइम भी वर्कआउट हुआ और थोड़ा लोगों का पुलिस में बिलीफ बढ़ता है इन चीज़ों से। तो उसमें भी SSP महोदय की तरफ से 5,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया। चले फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।